अगर आप हमारे वीडियो से अपडेट होना चाहते हैं तो यहाँ सब्सक्राइब बटन में जाके आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप पास में ही बेल का बटन मिलेगा, उसका ऊपर आप क्लिक करके रेगुलर नोटिफिकेशन पास। हेलो गाइस, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग एक सीरीज चला रहे थे, लिनक्स ट्यूटोरियल का सीरीज। पहला क्लास हुआ था जिसमें हमने एक इंट्रो क्लास दिया था। अगर आप चाहते हैं उस वीडियो को देखना तो आई बटन में क्लिक करके ऊपर की तरफ दाहिने साइड में आपको मिलेगा उसका लिंक। आप वहां क्लिक करके आप हमारा पहला इंट्रो क्लास देख सकते हैं, ताकि आपको ये समझ में आए कि ये क्या है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था मैंने। आज बात करते हैं हम लोग कि वर्चुअल मशीन हम लोग कैसे बनाएंगे। एक्चुअली अभी जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं या आप यूज कर रहे हैं, विंडो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज कर रहे हैं। जबकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम काफी पॉपुलर है और बड़ा बड़ा सर्वर, मैंने जो बहुत नाम किया हुआ सर्वर है, जैसे आपका गूगल हुआ, जैसे आपका फेसबुक हुआ, जैसे आपका अमेजन हुआ, ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह, ये सब कंट्रोल होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। जैसा लिनक्स सर्वर में जैसे माना गया है कि ये बहुत ही सिक्योर सर्वर है और मल्टीपर्पज यूज होता है इसका। तो जबकि हम लोग विंडोज डेस्कटॉप इन्वायरमेंट में बहुत फेमिलियर है, यूजर फ्रेंडली है एक्चुअली, तो हम लोग थोड़ा से इसके बारे में हम लोग इस ट्यूटोरियल में जानेंगे कि एक्चुअली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डेस्कटॉप इन्वायरमेंट होता है कैसे होता है। तो इसके लिए हमको एक मशीन क्रिएट करना पड़ेगा। अब रहेगी ये बात, आप तो ये डायरेक्ट अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आप टेस्टिंग पर्पस के लिए भी इसको यूज करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम फिलहाल आप जो यूज कर रहे हैं, विंडोज 7 हो या 8 हो या 10 हो, इसके ऊपर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको वर्चुअल मशीन बनाना पड़ेगा। तो वर्चुअल मशीन का मतलब ये होता है कि जैसे आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम में ही जो विंडोज 7 हो या 8 हो या 10 हो, उसके ऊपर एक वर्चुअल मशीन बनाइएगा। वर्चुअल मशीन का मतलब एक काल्पनिक मशीन, एक काल्पनिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर ही बनाइएगा और उसी के ऊपर आप इंस्टॉल करिएगा लिनक्स को। तो चलिए वर्चुअल मशीन कैसे बनाया जाता है वो हम लोग देखते हैं। वर्चुअल मशीन एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप उस पर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो लिनक्स हो या चाहे और भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, आप उसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। और आप अपना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरह से आप यूज कर रहे थे उसको भी यूज कीजिए, और वहां पे आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस करने के लिए उस वर्चुअल मशीन का इस्तेमाल करके आप जान सकते हैं। तो वर्चुअल मशीन इस्तेमाल करने के लिए फिलहाल मार्केट में दो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, सॉरी वर्चुअल मशीन जिसमें हम लोग इंस्टॉल करेंगे वो सॉफ्टवेयर का नाम है, जैसे एक हो गया VMware जो काफी पॉपुलर है, वर्ल्ड वाइज इसको यूज किया जाता है, ये एक्चुअली पेड है, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो यहाँ पर डाउनलोड करके ट्रायल भी कर सकते हैं। ट्रायल वर्जन आपको 30 डे या 28 डे के लिए मिलेगा, आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर कुछ पैसा खर्चा करना चाह रहे हैं तो आप यहां से बाय भी कर सकते हैं। इसका जो लिंक है आपको कुछ इस तरह से है, देखिए vmware.com/in मतलब india/product/workstation, ठीक है। यहां पे जाके आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और या डायरेक्ट वेबसाइट में आके प्रोडक्ट में भी जाइएगा। प्रोडक्ट में जाने के बाद आपको यहां पे विंडोज के लिए आपको यूज करना है, तो यहाँ देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाता है विंडोज फॉर वर्क स्टेशन फॉर विंडोज, तो फिर भी आपको वही पेज में ले जाएगा। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इसको यूज ना करके और एक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें लगभग मैक्सिमम आपको सेम इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है और हर तरह का फैसिलिटी आपको इसमें भी प्रोवाइड किया जाता है। इसका वेबसाइट एड्रेस है virtualbox.org, ये बिल्कुल फ्री है। आप इसका इस्तेमाल करके आप इसके ऊपर अपना एक मशीन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको जानना है
कि किस किस मशीन के ऊपर, मतलब किस किस हार्डवेयर और मशीन के ऊपर, कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आपका ये वर्चुअल बॉक्स या उसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होगा, तो आप यहीं से जाके एंड यूजर डॉक में क्लिक करके आप तमाम जानकारी ले सकते हैं कि आपका मेमोरी कितना होना चाहिए, आपका हार्ड डिस्क स्पेस कितना फ्री होना चाहिए, ये तमाम चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसको डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दो चार साल पहले अगर आप कोई सिस्टम खरीदे हैं तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। काफी पुराना अगर सिस्टम होगा तो इसमें आप ये वर्चुअल मशीन को यूज करने में परेशानी होगी, तो यहाँ से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, इसको डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ से आप क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, तो डाउनलोड करने में आपको तकरीबन आपका नेट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका स्पीड कैसा है, तो आप इसको डाउनलोड करिए, हम भी इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम फिर से लौटते हैं, तब तक के लिए हम वीडियो को पॉज करते हैं। देखिए डाउनलोड होने के बाद हमने इसको माय कंप्यूटर में ही रखा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स हमारा आ चुका है। अब इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद जो इंस्ट्रक्शन है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक पॉपअप विंडो खुलेगा। यहाँ पे हम रन पे क्लिक करते हैं और हमको इंस्ट्रक्शन फॉलो करते रहना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसका इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए इसको इंस्टॉल करते हैं। अब यहां से हम लोग नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद अब यहां से पूछ रहा है कि आपको सी ड्राइव में ही इंस्टॉल करना है या इसके लिए कोई अलग ड्राइव आप असाइन कीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं, सी ड्राइव में अगर जगह है तो उसी में इंस्टॉल करते हैं, नहीं तो हम दूसरा एक डिस्क को इंस्टॉल कर लेते हैं, दूसरा एक ड्राइव में ही इंस्टॉल करते हैं। तो हम ब्राउज करके इसको कोई दूसरा ड्राइव में इंस्टॉल करवाते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे एफ ड्राइव में ही इंस्टॉल करवाते हैं। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये लिनक्स का एक फोल्डर बना लेगा और वहां पे वो इंस्टॉल करेगा। चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि प्लीज चूज फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, क्रिएट स्टार्ट मेनू इंट्रायल्स, क्रिएट शॉर्टकट, क्रिएट ए शॉर्टकट द क्विक लॉन्च और रजिस्टर्ड फाइल एसोसिएट। ठीक है, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने का वार्निंग, नेटवर्क इंटरफेस, इंस्टॉलिंग द ओरेकल वीएमवेयर 5.1 नेटवर्किंग फीचर्स विल रीसेट योर नेटवर्क कनेक्शंस एंड टेम्पररी डिस्कनेक्ट। तो ठीक है, कोई बात नहीं, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब यहाँ से हम लोग इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद ये इंस्टॉल हो रहा है। देखिए हमने विंडो को पॉज किया था, रिकॉर्डिंग को पॉज किया था। अब यहाँ पे जैसे आप इंस्टॉल करिएगा तो आपको यहाँ पे कुछ पॉपअप विंडोज खुलेगा जिसमें कुछ डिवाइसेस, कुछ ड्राइवर को इंस्टॉल करने का बार बार मांगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको हर ड्राइवर को इंस्टॉल करने का परमिशन दे देते हैं ओरेकल के लिए जो जरूरी होता है, और यहाँ पे इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद हमारा देखिए डेस्कटॉप में ही एक शॉर्टकट क्रिएट होकर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और एक मिनट के आसपास लगेगा, देखिए हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद हमारा ये इंस्टॉल हो गया है फिलहाल। अब इसके ऊपर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम इसके ऊपर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, एक मशीन क्रिएट करेंगे। मतलब जैसा कि हम लोग लिनक्स के ऊपर अभी फिलहाल ये ट्यूटोरियल चल रहा है, तो ये मशीन हमको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दिया है। अब हमारा जो एक्सपी सॉरी जो विंडोज 7 है उसी के ऊपर हम लोग लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे इस सॉफ्टवेयर के हेल्प से। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं कि किस तरह से हम लोग एक
ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। इस सीरीज से कंटिन्यू जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल में जाके यहाँ जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और कंटिन्यू हमारे हर एक वीडियो से अपडेट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।